हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्वी शाह फ्रॉम मैजिक सॉयल एंड ऑर्गेनिक किचन गार्डन से। आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आज जब मैं मेरे कंपोस्ट के मटके में, मैजिक सॉयल के मटके में जब मेरा किचन वेस्ट डालने गई, तो मुझे एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज मिला जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मुझे मेरे कंपोस्ट के मटके में से। कैन यू गेस व्हाट इट इज? ये जो है, मैं दिखाती हूँ आपको। जब मैंने मटका खोला तो पूरा भर चुका था। इट्स लाइक डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट जैसे होता है वैसे लग रहा था, क्योंकि मटके का मुंह थोड़ा छोटा होता है, जो नीचे से पूरा ग्रीन दिखता है तो ऊपर आपको दिखता ही नहीं कि क्या है, पूरा ऐसे ग्रीन स्प्राउट्स। तो मैं सोच रही थी कि आखिर ये कौन से सीड्स है जो जर्मिनेट हो चुके हैं। तो जब मैं निकालने गई तो एक साथ सारे सीड्स बाहर आए। लाइक मैंने ऐसे उठाया तो पूरा, मतलब ये देखिए सारे सीड्स। एक्चुअली ये कॉर्न कॉब है, मक्के का है। तो मैंने जो मकई ली थी, मक्का लिया था, वो थोड़ा सूख गया था, तो मैंने, हम लोगों ने खाया नहीं और उसको ऐसे ही टुकड़े करके कंपोस्ट में डाल दिया था मटके में, क्योंकि बहुत हार्ड हो चुका था और टेस्ट भी नहीं रहा था। ये उसकी छिलके हैं जो हम लोगों ने सीजर से बारीक कट करके डाले थे। और ये देखिए जितने भी सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना चालू हो चुके हैं, ये ऊपर वाले सारे जर्मिनेट हो चुके और पूरा ऐसे भरकर ऐसे बहुत सारे पीसेस, क्योंकि मैंने शायद 3-4 कॉर्न ऐसे ही डाले थे टुकड़े करके, तो बाकी के भी अंदर ही है मेरे कंपोस्ट के मटके में पूरा भर। और सबसे सरप्राइज की बात यह कि ये जब मैंने डाला था, मैंने सिर्फ उसको 4 या 5 दिन पहले ही डाला था, क्योंकि अभी शादी का सीज़न है तो बहुत मतलब ज़्यादातर खाना बाहर हो जाता है, तो मेरा इतना किचन में इकट्ठा नहीं होता है कि रोज़ का रोज़ डाला जाए। और वैसे भी मैं या तो अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन पे डालती हूँ एक बार, ताकि अच्छे से इकट्ठा, तो मेहनत थोड़ा कम हो जाए। एक बार में आप डाल दो, मिट्टी से कवर कर दो, जो मैंने आगे की मेरी वीडियोस में दिखाया है, बहुत इजी होता है। तो जब मैंने खोला उसको, मतलब 4-5 दिन पहले डाला हुआ कचरा और पूरा मटका ऊपर से लाइक गार्डन, तो ये बहुत, मतलब बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि, और सॉइल भी इतना रिच हो चुका, क्योंकि हम इतने साल से घर पे बना रहे मैजिक सॉइल, तो वो जो रिचनेस है सॉइल का, जो फटाफट हर चीज़ को कन्वर्ट करता है सॉइल बना, तो उसका रिजल्ट आप देखिए 5 या मैक्सिमम 5 दिन में पूरा सीड जर्मिनेशन चालू हो गया। और लेंथ भी आप देखिए कितनी। फिर मैंने इसको निकाला और आज का जो कचरा था, मैंने 4 दिन से कचरा इकट्ठा करके रखा है उसमें, जो मैंने आज डाला है उसमें। तो हाँ, कभी कभी के मैं बोलती हूँ वर्कशॉप में भी कि आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा कचरा इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि फिर वो कचरे में से स्मेल आना चालू हो जाता है। पर अभी शादी का सीज़न है तो बहुत कम कचरा इकट्ठा हो रहा था। मेरा जो कचरे के लिए, किचन वेस्ट के लिए मैंने बिन रखा है, वो जब पूरा भर जाता है मैं उसमें मटके में डालती हूँ। वो पूरा नहीं भरता, मैं रहने देती हूँ। तो कभी इस बार 5 दिन हो चुके थे, पर मेरे पास जो लीड है उसमें हॉल्स है और उसके अंदर कार्बन शीट है, तो जो स्मेल, अगर हाँ आप ढक्कन खोले तो थोड़ा स्मेल आ जाता है, पर जब तक वो बंद है, कवर है और उसमें से हवा पास होती है, तो इतना गंदा स्मेल अंदर इकट्ठा नहीं होता है। तो मैं 5 दिन 6 दिन तक उसमें इकट्ठा करके रख सकती हूँ, पर नॉट मोर देन दैट, क्योंकि फिर उसमें भी कीड़े बनना चालू हो जाते हैं, स्मेल आता है, तो वी डोंट प्रीफर बिकॉज हम घर में ही करें। पर आज मुझे ये शेयर करने के लिए इतना मन हो गया कि आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, बिकॉज जो रिज़ल्ट मिल रहा है घर के किचन वेस्ट से, और आप मेरा ये किचन विंडो, मैं आपको मेरे किचन गार्डनिंग की लाइव वीडियो दिखाऊँ। अभी ऑलमोस्ट ऑटम सीजन चालू हो चुका है और स्प्रिंग आने बाकी, फिर भी एवरीथिंग इज़ वेरी लश ग्रीन, क्योंकि ये जो है वो पूरा मेरा मैजिक सॉइल से ही बनाया हुआ है।
दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ नेचर कि हम उसकी जब उसका कोई भी चीज़ संभाल के वापस देते हैं तो वो हमें रिटर्न में कितना मल्टीप्लाई करती है। तो थैंक यू सो मच, बाय।